शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री राजपूत करनी सेना की ओर से फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर एक माह हो चुका है, फिर भी उनके आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई करने की मांग श्री राजपूत करनी सेना ने की है। बीते महीने देश के होनहार युवा कलाकार जिसने अपने प्रतिभा से न सिर्फ युवा वर्ग में अपितु समाज के प्रत्येक वर्ग में अपनी पहचान की अलग अलग छाप छोड़ी, जिसने अपने प्रतिभा के दम पर जमीन से लेकर अंतरिक्ष में चांद पर जमीन खरीदी करे ऐसी कीर्ति स्थापित किया, जिसने अपने फिल्मों के माध्यम से देश दुनिया और समाज को यह संदेश दिया हो आत्महत्या कोई समाधान नहीं। आखिर क्या आवश्यकता होगी ऐसे सुशांत सिंह राजपूत को, जिसने इतना सब कुछ पाने के बाद उसी रास्ते को चुनाव किया जिस पर वह सभी को जाने से मना करता था। लेकिन अफसोस कि सुशांत सिंह राजपूत को ऐसा करने पर मजबूर करने वाले उन दोषियों पर अब तक कार्यवाही नहीं की गई। सुशांत सिंह की आत्महत्या का जिम्मेदार बॉलीवुड के उन माफियाओं को बताया गया जो नई एवं ऊर्जावान प्रतिभा को अपने अहंकार के आगे बर्दाश्त नहीं कर पाते। श्री राजपूत करनी सेना के नागपुर जिले के प्रदेश महासचिव प्रमोद सिंह ठाकुर इनके नेतृत्व में संविधान चौक पे एक आंदोलन किया गया, जिसमें सुशांत सिंह के दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। यदि सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करती तो सड़क पर उतरने की चेतावनी भी श्री राजपूत करनी सेना के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर दी। आप देख सकते हो यहाँ पे करनी सेना के संविधान चौक पे कार्यकर्ता आ चुके हैं। राजपूत सिंह की जो मृत्यु हुई थी तो उसकी जांच अभी भी नहीं हुई, इस बात को लेकर ये तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। आइए उनसे जानना चाहेंगे इस समय में श्री राजपूत करनी सेना के तमाम पदाधिकारी यहाँ पे क्या कहना चाहते हो आप? हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आज 14 मई अपना 14 जुलाई को आज सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या किए हुआ पूरे एक महीने हो चुके हैं, पर ना तो अभी तक के उनके परिवार वालों को, ना तो उनके फ्रेंड्स फॉलोअरों को या किसी को यह नहीं बताया गया कि उसको किसने इतना प्रेशराइज किया कि उसको आत्महत्या जैसे अपना आत्महत्या जैसे उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा है। हमारा कहना यह है कि जो बड़ा घराना है बॉलीवुड पे, वो बॉलीवुड उनके बाप की जागीर नहीं है कि जो बाहरी लोग से जो आते हैं, जो गरीब तत्व के लोग आते हैं उनको वो उभरने नहीं देते। बॉलीवुड सभी का है, देश के हर एक नागरिक का, हर किसी ने वहाँ पे, हर किसी का अधिकार है कि वो अपना भविष्य वहाँ पे बना सके। पर हमारी मांग यही है कि आज एक महीना पूरा हो चुका है पर अभी तक के किसी के ऊपर कोई जांच पड़ताल सही तरीके से हो नहीं रही है, अभी तक के किसी की गिरफ्तारी हो नहीं रही है। तो हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द सुशांत सिंह राजपूत की कार्रवाई की जाए और जो भी गुनहगार इसमें उसको तुरंत की तुरंत सजा हो जाए। अगर हमारे मांगों को दरकिनार किया गया तो हम हमारा आंदोलन और तीव्र हो जाएगा और एक या दो महीने के बाद हम यही आंदोलन अनिल देशमुख सर के घर के बाहर जाके विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो सुशांत सिंह राजपूत को यदि न्याय नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने की बात ये तमाम कार्यकर्ता ने कही है। अब देखना ये होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के जांच होगी या नहीं। संविधान चौक से कैमरा पर्सन सुभाष भुट्टे के साथ संजय मेरे इंडिया न्यूज नागपुर।